एवरीवन, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। फिलहाल मैं आ गई हूँ बालकनी में और आज ना बारिश बहुत अच्छी हो रही है, मतलब 2-3 दिनों से हो रही है रुक रुक करके, तो मौसम बहुत अच्छा हो गया। मतलब मार्च का मौसम जो थोड़ा सा गर्म रहता है, इस बार बारिश की वजह से बहुत अच्छा हो गया। तो आपके साइड बारिश हो रही है या नहीं मुझे कॉमेंट में जरूर बताइएगा। तो उसके लिए उड़द को भिगो करके रखी हूँ। मैं मूंग वाला नहीं बनाती हूँ, उड़द दाल वाला बनाती हूँ, मुझे यही इजी लगता है। और यहाँ पे इमली की मीठी चटनी भी बनाने वाली हूँ, तो इमली को भिगा करके रखी हूँ। और इसमें तो थोड़े चने हैं, ऐसे ही खाने के लिए भिगोई। गुड इवनिंग। और अभी शाम के लगभग 7:30 बज चुके हैं और अभी मैं खा रही हूँ भुना हुआ चना, आधा खा चुकी हूँ। और देख रही हूँ जी टीवी, डांस चल रहा है जी सिने अवॉर्ड, तो अभी ये देखती हूँ चना खाते हुए। ज़्यादा बारिश हुई थी ना कि सारे मंजर इस तरीके से झड़ के नीचे आ गए हैं, और ओला तो नहीं पड़े थे, केवल बारिश हुई थी। तो बारिश के बाद का हाल कुछ ऐसा हो गया है। बकरियाँ जा रही है चरने के लिए, तो सुबह सुबह का नज़ारा कुछ ऐसा ही रहता है यहाँ पर। और बारिश के बाद देखिए, कल तो खूब जोरों से बारिश हुई थी और आज पूरा अच्छा खासा धूप निकला हुआ है। ब्रेकफास्ट में आज पोहा बना रही हूँ और इसमें थोड़ा चीनी और नमक ऐड की हूँ, ताकि ये थोड़ा सा फूलेगा ना, तो चीनी जो है इसी में अब्जॉर्ब हो जाएगा। और यहाँ पे आलू काट रखी हूँ और साथ में प्याज, तो कढ़ाई भी गर्म हो गया है। झटपट नाश्ता में ना पोहा बड़ा अच्छा ऑप्शन है। तो थोड़े से रिफाइंड ऑयल में बादाम को हल्का सा फ्राई कर रही हूँ, ज़्यादा तो फ्राई नहीं करना है। अब वैसे भी पोहे में ना बादाम ना हो तो भाई मज़ा नहीं आता है, तो ऑलमोस्ट फ्राई हो चुका है, इसको निकाल लेती हूँ। और इसी सेम ऑयल में थोड़े से सरसों के दाने और थोड़े से लाल मिर्च और साथ में करी पत्ते, तो ताज़े करी पत्ते ना पोहे में बहुत अच्छे लगते हैं। और बारीक कटे जो आलू थे वो और प्याज को साथ में ऐड करके इसको भी भूनूंगी। तो इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ, साथ में नमक, तो इससे जो है ना आलू जल्दी पक जाएंगे। तो इसको 2 मिनट तक ऐसे पकाना है। उसके बाद जो मैं भिगो करके रखी थी ना चूड़ा, उसको ऐड कर रही हूँ। तो इस बार ना मेरे पास पोहा चूड़ा नहीं है, तो मैं नॉर्मल चूड़ा से ही पोहा बना रही हूँ, पता नहीं कैसा बनेगा। और फ्राई किया हुआ बादाम भी ऐड करके, नींबू का रस मैं अभी ऐड नहीं की हूँ, बाद में ऐड करूँगी। इमली की चटनी बना रही हूँ और गुड़ वाली इमली की चटनी बना रही हूँ, तो इमली को ना छान करके ऐड की हूँ, इस वजह से ऐसा पतला लग रहा है, बट ठंडा होने के बाद में गाढ़ा हो जाता है। दही बड़े के लिए उड़द को भिगो करके रखी थी और इसका पेस्ट बना ली हूँ। वैसे भी यहाँ लाइट का बड़ा दिक्कत होता है, मैं कल ही इसको भिगो करके रखी थी बट पीस नहीं पा रही थी, तो थोड़ी देर के लिए लाइट आया तो इसको पीस ली हूँ। इसके साथ ही इसमें पानी में थोड़ा सा सेंधा नमक और नॉर्मल नमक डाल करके इसको घोल करके रखी हूँ और इसको अभी फ्राई करना है। सारे पानी निकाल चुकी हूँ और इसमें फेटी हुई दही ऐड कर रही हूँ, तो दही भी मैं घर पर ही बनाई थी। साथ में इसमें थोड़ा सा सेंधा नमक और थोड़े हरे धनिए की चटनी और इमली की खट्टी मीठी जो चटनी बनाई थी उसको भी ऐड कर रही हूँ, थोड़ी सी गाढ़ी हो गई है। जीरा और धनिया को हल्का सा रोस्ट करके उसका पाउडर बना ली थी ना, तो बस वही ऐड कर रही हूँ। और साथ में थोड़ी सी लाल मिर्च की पाउडर, इसे बहुत अच्छा लगता है चटपटा, दही बड़े और धनिया के पत्ते। तो बस दही बड़े भी रेडी हो गए हैं।
फाइनली सारा कुछ बन चुका है और अभी जस्ट केक बनाई हूँ, तो मेरे पास क्रीम नहीं था, बस वही जो चॉकलेट सिरप आता है ना उसी से सजाई हूँ, और थोड़े से स्प्रिंकल थे बस उसी से सजा दी हूँ, और सिंपल बनाई हूँ केक क्योंकि क्रीम वाला नहीं बना पाई क्योंकि यहाँ पे मिलता है नहीं, जो है उसी तरीके से जुगाड़ू वाला केक बना ली हूँ, तो कभी कभी ऐसा केक बनाना चाहिए। तो ये रहा वो केक, तो कैसा लग रहा है आप सब मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी बर्थडे सेलिब्रेशन होना बाकी है तो फटाफट से खाना बना लेती हूँ। हम लोग का भी बर्थडे सेलिब्रेशन चल रहा है, ज़्यादा कुछ नहीं बनाया है, केक बनाया है बस। इनका खाना पीना हो गया है, अब मूवी देखने वाले हैं ना, कौन सा मूवी मूवी, और आज संडे है तो स्पेशल मूवी आ रहा है। पूरा केक और खाने वाले दो लोग, तो इतने सारे केक बच गए हैं, तो इसको मैं स्क्वायर में कट कर ली हूँ और एयर टाइट डब्बे में भर कर रख दूंगी, तो एक नीचे टिश्यू पेपर दी हूँ ताकि केक में नमी ना हो और ख़राब ना हो, वैसे ये महीने तक चल जाता है, हम लोग का नहीं चलने वाला, जल्दी ही खत्म हो जाएगा। तो फिलहाल सारे केक को मैं इस डब्बे में भर ली हूँ और ऊपर से एक टिश्यू पेपर रखी हूँ ताकि नमी ना हो और हवा ना लगे केक को, तो ख़राब बिल्कुल भी नहीं होंगे, बिल्कुल ताज़े रहते हैं। खाना पीना हम लोग का हो चुका है, पार्टी का दी एंड हो गया है, तो फिलहाल हम लोग अभी मूवी देख रहे हैं कांतारा, बहुत दिनों से हम लोग वेट कर रहे थे, फाइनली आज जा करके टीवी में दे रहा है, वैसे मेरे हस्बैंड को देख चुके हैं, मैं नहीं देखी हूँ तो आज इसको कंप्लीट देखूंगी। तो मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड नाइट।